नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और एक खास बहुत अहम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो काफी सारे रिटेलर ने मुझे रेस्पॉन्स किया इस विषय के ऊपर। कल ही हमने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज दिया था कि किसको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर हमें जरूर व्हाट्सअप कीजिए और हम इसको नोट करते हैं और आगे इसी आपकी प्रपोजल के ऊपर ही वीडियो बनाते रहेंगे। जो चीज आप लोगों को चाहिए, मतलब जो मार्केट को चाहिए, वो देने के लिए हम प्रस्तुत हैं। और काफी समय से मैं ये सोच भी रहा था, शायद ये कहीं ना कहीं मेरे सोच से हट गया है कि डीएमडी के ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लोग भटक जाते हैं, लोग भूल जाते हैं और याद दिलाने के लिए वीडियो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट रास्ता है कि डीएमटी कहाँ पे कितना होता है, क्या चार्ज लेता है, कहाँ से करना सही रहेगा और कहाँ से डीएमटी करना बहुत ही गलत साबित हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ और इसके बाद आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में दिखाता हूँ कि कहाँ से कितना तक डीएमटी आप कर सकते हैं। कुछ कंपनियों का नाम हम लोगों ने थंबनेल पे रखा है, जैसे स्पाइस मनी, रैली पे, रापी पे, इसके बाद पे पॉइंट इंडिया, फिनो, इस तरह की कंपनियों को हमने सामने रखा है जहां से आप डीएमटी का बिजनेस करते हैं या फिर कर सकते हैं। पर इसी में से किसको आप बेस्ट चूज करें चुनेंगे ये आपकी बारी है, क्योंकि इसके सारे डिटेल के बारे में बताना मेरा काम है। सो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बताएंगे कि किस पोर्टल में कितना तक का डीएमटी आप एक महीने में एक मोबाइल नंबर के द्वारा कर सकता है, किस पोर्टल में चार्ज कितना लगता है, किस किस पोर्टल में आपको ई केवाईसी का मौका मिलता है और कहां पे आपको डीएमटी करने से पहले ई केवाईसी में भी कमीशन मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं किस किस पोर्टल में कौन कौन सी रेट पे कितने लिमिट तक आप डीएमटी कर सकते हैं। सो दोस्त, चले आए हैं हमारा पोर्टल पे, एक एक करके हम सारे पोर्टल को देखेंगे। सो सबसे पहले आज हम जिस पोर्टल से डीएमटी के बारे में बात करेंगे वो है स्पाइस मनी। ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में कि एक नंबर पे कौन है, दो नंबर पे कौन है, चूज आप लोगों को करना है, वीडियो पूरा आप लोगों को देखना है। इसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन से पोर्टल से आपको डीएमटी करना सस्ता हो सकता है, कौन सा पोर्टल से डीएमटी करना आपको महंगा हो सकता है, कौन से पोर्टल से करना चाहिए, कौन सा पोर्टल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। आप जिस तरह से सोचेंगे प्रोडक्ट उस तरह से आपके साथ बर्ताव करेगा। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बताना कि कौन सा पोर्टल किस तरह से आपको डीएमटी करने का मौका और कितना तक करने का मौका आपको देता है। तो ये मैं स्पाइस मनी का रिटेल आईडी में पहुंच चुका हूं। आप लोग, मैं ये वीडियो में आप लोगों को वेब वर्जन से दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ बारीकी से आए। आप मोबाइल से भी उतना ही बेहतर डीएमटी कर सकते हैं जो आप वेब से कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिनो में एक चीज दिखाता हूं आपको। डीएमटी करने का तीन ऑप्शन है यहाँ पे। एक है फिनो ट्रांसफर अप टू 25,000, जहां पे 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा एक मोबाइल नंबर से। दूसरा वाईबिल डीएमटी अप टू 2 लाख और पीपीआई डीएमटी, मतलब स्पाइस मनी से भी खुद स्पाइस मनी का खुद का पीपीआई लाइसेंस है, ठीक है, प्रीपेड पेमेंट सिस्टम जो है होता है, ये आरबीआई की तरफ से लाइसेंस्ड होते हैं, वो चीज उन लोगों के पास है। तो तीन तरीके से, तीन रास्ते से आप डीएमटी उनकी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं YVL DMT का। अगर आपके पास YVL DMT एक्टिवेटेड है, बहुत लोगों के पास नहीं होता, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप YVL DMT कर सकते हैं। ओके, सो जिसके पास स्पाइस मनी में YVL DMT एक्टिवेटेड है उनका तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले बता देता हूं कि यहाँ पे KYC का मौका अभी भी ओपन है। ये एक मैसेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस बैंक यस बैंक डीएमटी से प्रति माह 2 लाख तक का मनी ट्रांसफर और साथ ही पाए प्रतिदिन 30 तक का बोनस ई केवाईसी पर। अगर आप कस्टमर का केवाईसी कंप्लीट करा के डीएमटी करते हैं तो आपको अलग ₹30 एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको किसी भी और पोर्टल पे नहीं मिलेगा। ओके, ऑफर 15 अगस्त से लागू, चार्जेस का भुगतान अगले महीने किया जाएगा। मतलब जो भी ऑफर आपको मिलेंगे इस दौरान आपको अगले महीने इसका पेमेंट मिल जाएंगे। और ये ऊपर में ये आप देख सकते हैं जो अलग किस्म की एक ऑफर है, किसी भी कंपनी में ये ऑफर नहीं दिखता है। क्या है ये ऑफर? ये ऑफर कुछ इस तरह से है, ये जो ट्रेवल यूनियन ऐप है इन लोगों की तरफ से, ये ट्रेवल यूनियन ऐप में चार तरीके की सर्विसेस मिलते हैं, फ्लाइट, बस, रेल एंड होटल। जो भी बंदा इस पोर्टल का इस्तेमाल करेगा, ट्रेन टिकट कटे, फ्लाइट टिकट बुकिंग करे, होटल बुकिंग करे, बस टिकट बुकिंग करे, जो भी करेगा, जितना रुपए का करेगा,
उतना रुपए का डीएमटी जो है इस पोर्टल से उनके लिए मुफ्त हो जाएगा, मतलब कोई भी चार्जेस इनको देना नहीं पड़ेगा। अगर एक महीने में मैंने 5 लाख का ट्रेवल यूनियन के इस्तेमाल किया तो 5 लाख के डीएमटी मेरे लिए बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी चार्ज मुझे नहीं देना होगा। यह है स्पेशलिटी स्पाइस मनी की तरफ से। और एक स्पेशलिटी है कि आप यहां से 2 लाख तक का डीएमटी कर सकते हैं, और सारे चीज अलग पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, इसी पोर्टल से आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। रिफंड ट्रांजेक्शन करना, ओल्ड ट्रांजेक्शन देखना, 7 फरवरी से पहले ट्रांजेक्शन स्टेटस देखना, ट्रांजेक्शन लेजर देखना, सारे चीज जो है एक एक करके अलग करके रखे हैं। पैसा रिफंड लाने की भी वजह कारण हो, पैसा रिफंड लाने की भी नौबत आए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ 9862363880 और सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ। मेरा जो ये नंबर है वो KYC किया हुआ है और इसका लिमिट जो है 2 लाख तक है, मतलब एक महीने में इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करके मैक्सिमम 15 अकाउंट में मैं 2 लाख तक भेज सकता हूँ। एक मोबाइल नंबर अगर KYC किया तो इसमें आप मैक्सिमम 15 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और देख सकते हैं पूरा के पूरा 15 अकाउंट यहाँ पे एडेड है। जब भी जरूरत पड़ेगा और ऐड करने का तो यहाँ से एक ना एक अकाउंट डिलीट करना होगा, इसके बाद ही मैं फिर जाके ऐड बेनिफिशियरी में ऐड कर सकता हूँ, मतलब 15 अकाउंट को मैं ऐड कर सकता हूँ डीएमटी के लिए। मतलब कोई कस्टमर आएगा तो वो मैक्सिमम 15 अकाउंट को ऐड करके रख सकता है। और यहाँ पे देखिए मैंने काफी सारा कर दिया, लगभग मैंने 31,000 का डीएमटी कर दिया यहाँ से, ठीक है, और 1,69,000 का डीएमटी बाकी है, मैं कर सकता हूँ। यह है खासियत स्पाइस मनी की, YBL डीएमटी की। चार्जेस की अगर बात करें तो कस्टमर से आप 1% चार्ज वसूलेंगे मैक्सिमम 250 रुपया तक, ठीक है। यह यहाँ पे सर्विस चार्जेस दिया हुआ है जो 1 मार्च 2019 से लागू हुआ है, सो आप इसका पालन कीजिए, 1% ही कस्टमर से लीजिए तो आपका फायदा जो है मोटा मोटा बनेगा। और चार्जेस की अगर बात करें तो स्पाइस मनी YBL डीएमटी में 0.51 चार्जेस आपसे कटता है। आप मान लीजिए 50 पैसा आपसे कटेगा 100 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए आपको 5 रुपया, 10,000 के लिए आपको आपसे 50 रुपया कटेगा, आप कस्टमर से 100 रुपया कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहां से निकाल जाते हैं YBL DMT से अगर आप निकाल जाते हैं, हमारे पास रहता है फिनो ट्रांसफर। अगर हम फिनो का इस्तेमाल करें, फिनो का भी पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, फिनो से भी डीएमटी कर सकते हैं, पर फिनो से एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 25,000 तक कर सकते हैं विदाउट KYC, ठीक है। 7005201686 और सबमिट बटन में कर दिया क्लिक। आप यहाँ से 49,999, ठीक है, आप 49,999 रुपया तक का डीएमटी कर सकते हैं। अगर आपने KYC कर दिया तो इसका भी लिमिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर अपलोड KYC में आप क्लिक करेंगे आपके सामने KYC करने का सारा मौका आ जाएगा, जहां से आप फिजिकल फॉर्म 60 डिक्लेरेशन अगर देंगे तो 2.5 लाख, अगर पैन कार्ड डाल के अगर आप करेंगे तो आप 6 लाख तक का डीएमटी कर सकेंगे। आगे हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक मोबाइल नंबर से आप 2-6 लाख तक डीएमटी कर सकते हैं, मतलब डीएमटी की अगर आप बात करेंगे, अगर आप डीएमटी की बात करेंगे तो बकेट ऑफ सर्विस डीएमटी के ऊपर, सिर्फ डीएमटी बकेट ऑफ सर्विस अगर आपको चाहिए डीएमटी के ऊपर तो वो आपको स्पाइस मनी में देखने को मिलता है, और तरह तरह की सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर ऐड रहना जरूरी है, नहीं तो मास्क अदर डाउनलोड नहीं हो पाएगा, या फिर डाउनलोड नहीं हो पाएगा आपका आधार कार्ड का XML फाइल, आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। फिर भी एक मोबाइल नंबर से अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो 49,000 तक आप कर सकते हो, ठीक है, मंथली लिमिट 49,000 तक है। क्या ये एडिट भी हो जाता है? चलिए नहीं, ये लिमिट नहीं होगा, एडिट नहीं होगा, मंथ लिमिट मस्ट बी फ्रॉम 1 to 49,999 रुपीज है। तो यहाँ पे और एक पैनल खुला जो फिनो की तरफ से, यहाँ पे भी सारे सर्विसेज जो है आपको देखने को मिलता है, जिस तरह से यस बैंक लिमिटेड YBL DMT से देखने को मिलता है। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, एक ही कंपनी के अंदर 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तीसरा, अगर आप डीएमटी करना चाहो तो आगे निकलो PPI DMT में, ठीक है। PPI DMT में शायद फिनो को भी ऐड करके रखा है, और भी कुछ नया चीज है, देख लेते वहां क्या है, शायद यही फिनो से अभी चल रहा है 7005201686। चलिए, बहुत लोगों का यहाँ पे ये मेरा जो मैंने फिनो से दिखाया था वही है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार एक चीज दिखाता हूँ। 10,000 में सिलेक्ट करता हूँ 5,000 सेंड मनी यूजिंग फिनो। देखिए मेरा यहाँ पे फिनो इसलिए दिख रहा है कि मेरा फिनो से सेट है,
एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो के अंदर आज सारा साउंड आने वाला था। सो यहाँ पे मेरा फिनो सेटेड है, जिसलिए मुझे पीपीआई में भी फिनो ही दिख रहा है, मुझे और कुछ करने का मौका नहीं है मेरे पास। पहले इंडस इन का था, मैंने फिनो में कॉन्वर्ट कर दिया। तो लगभग दो बैंक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, फिनो एंड यस बैंक लिमिटेड। ठीक है, अगर आपने आरबीएल का कर दिया तो आपको आरबीएल भी मिलेंगे। टोटल बकेट ऑफ सर्विस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिनो यूजिंग फिनो ये है। और चार्जेस भी आप देख सकते हैं, 5000 के लिए 24 रुपया जो है आपसे चार्ज कटा जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं सारा चीज आपको दिखेगा इसमें, और आप इसमें केवाईसी कंप्लीट करके कस्टमर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्पाइस मनी की तरफ से डीएमटी, जहां पे आपको तीन तीन ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर आपने पहले से इंडसइंड को एक्टिव करके रखा है तो आपको इंडसइंड दिखेगा। मैंने पहले से फिनो सिलेक्ट करके रखा है, इसलिए पीपीआई में भी फिनो दिख रहा है। फिनो ट्रांसफर में तो फिनो है ऑलरेडी, वाईबीएल डीएमटी मैंने करके रखा है केवाईसी, तो वाईबीएल डीएमटी से भी मैं कर सकता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, क्योंकि एक ही कस्टमर को एक बार ऐड कर दिया तो महीने में 2 लाख तक का डीएमटी इसका हो सकता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे। बाकी कंपनियों में भी है, पर उतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। कुछ कंपनी ऐसे भी है जहाँ पे 2 लाख तक है, पर कंपनी की सर्विस ऐसी अच्छा नहीं लगता है, नाम नहीं लूंगा तो बेहतर है। सो हमने देख लिया स्पाइस मनी से डीएमटी का ऑप्शन। हम सेकंड आप जाते हैं रापी पे में। सो अब हम चले आए हैं रापी पे की पोर्टल में, ये भी मुझे बहुत बेहतर लगता है। इसका वजह क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका वजह है कि अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाहो तो आपको बीसी ट्रांसफर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रेमिटर मोबाइल नंबर डाल देना है 9862363880। ठीक है, जैसे आप डाल दिए हो रेपी पे में, यहाँ पे आपका जो एडेड अकाउंट है वो यहाँ पे शो कर देगा। मजेदार बात क्या है इस पोर्टल का मजेदार बात यह है कि आप एक मोबाइल नंबर पे एक महीने में 75,000 तक का डीएमटी कर सकते हैं। 75,000 तक का डीएमटी एक ही पोर्टल से एक महीने में एक कस्टमर को कर सकते हैं। मतलब एक मोबाइल नंबर लेके आया एक कस्टमर और वो एक ही नंबर देगा, आप मैक्सिमम 75,000 तक डीएमटी कर सकते हैं। ओके, आईएमपीएस में आप क्लिक करेंगे, अमाउंट आप 50,000 बिठाइए। देखिए लिखा है ट्रांसफर अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल 25,000। आप इस तरह से 25,000 एक बार भेज दिया, फिर 25,000, फिर 25,000, तीन बार में तीन बैंक को इस्तेमाल करके यहाँ पे 75,000 तक का डीएमटी हो जाता है। क्योंकि रापी पे तीनों बैंक का ही बीसी है। जब कोई कंपनी तीन बैंक का बीसी होगा वो इस तरह से पार्ट पार्ट में कर सकता है। जिस तरह से आप देखे यस बैंक में फिनो और वाईबीएल डीएमटी है, वहां से आप कर सकते हैं, यहां से भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, जबकि यहाँ पे स्पाइस में बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ता है, पर रापी पे में नंबर कम है, 75,000 तक है, तो यहाँ पे तीन बैंकों का इस्तेमाल पूरा पूरा होता है और मिनिमम केवाईसी से 75,000 तक का डीएमटी हो जाता है तीन बैंकों से अलग अलग। सस्ता रेट का अगर बात करेंगे तो क्या रेट है, स्पाइस मनी का रेट बता दिया आपको। अगर फिनो का आप करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया कितना चार्जेस लगता है स्पाइस मनी से। अगर हम लोगों ने देखा फिनो का डीएमटी अगर हम करते हैं, ये चीज बीच में थोड़ा मैंने बोला, मैं पूरा बोल देता हूँ वीडियो के अंदर ही, नहीं तो आप बोलेंगे आप रेट के बारे में क्लियर नहीं बताया। स्पाइस मनी का वाईबीएल डीएमटी में 51 पैसा कटेगा आपसे, और अगर आप बात करें फिनो डीएमटी का, तो फिनो डीएमटी में जो आपका चार्ज है, मान लीजिए 5,000 रुपया अगर आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो 5,000 रुपये मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको 0.48 चार्ज लिया जाएगा, 5,000 के लिए जिसका चार्ज होगा 24 रुपया। ओके, जैसे जैसे आपका डीएमटी बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रेट भी घटता जाएगा। ये एक फ्लेक्सिबल मोड वाला पोर्टल है। सो निकाल जाते हैं यहाँ से, आप लोग समझ गए यहाँ पे कितना लगता है। अगर आप बात करेंगे रापी पे के बारे में कि रापी पे में कितना चार्ज लगेगा, तो रापी पे का पहले ही 1,000 रुपये में चार्जेस जो है वो फिक्स है, वो लगभग 7 रुपया के आसपास लगेगा, और बाकी 5,000 तक आप जितना भी करेंगे एवरेज 0.31, मतलब 100 रुपये में 31 पैसे के हिसाब से जितना होना चाहिए वही आपसे कटेगा। मतलब 10,000 रुपया मनी ट्रांसफर करेंगे आपसे 31 रुपया जो है आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, कितना 31 रुपया, ये जो आप देख रहे हैं 31 मैंने लिखा, वो 31 ही आपको 10,000 के लिए चार्ज किया जाएगा, वही हमारे पैनल से सेटेड है, बाकी का हमें पता नहीं। हमने कस्टमर मतलब अपने रिटेलर को सब सर्वोपरि सबसे सस्ता रेट दे के रखे, बाकी बहुत सारे पोर्टल में 50 पैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने कंपनी में स्पेशल मेल करके
31 रुपीज में मूव करा लिया हमारा रेट रिटेलर के लिए। हालांकि इसमें रिटेलर कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एडिटिंग का पावर सुपर के पास नहीं होता है, पर मैंने मेल करके रिटेलर के लिए कंपनी की तरफ से ही चेंज कराया कि हमारे रिटेलर का रेट सबसे पहले सस्ता होना चाहिए। डीएमटी में मस्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का सोच बाद में होगा। ओके, सो आप समझ गए हैं रापी पे से कितना चार्जेस होता है। रापी पे से इतना ही चार्ज होता है, 31 रुपए 10,000 के लिए। और डीएमटी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एनएफटी और आईएमपीएस। आईएमपीएस एनएफटी दोनों तरीके से कर सकते हैं। और बात रहता है कि कितना कर सकते हैं, 25 25 25 करके तीन बार में आप मैक्सिमम एक मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करके 75,000 तक का डीएमटी यहां से कर सकते हैं। ये हो गया रापी पे की तरफ से डीएमटी का सर्विस। ठीक है, साथ ही साथ डीएमटी की अगर बात करें तो इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाकी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीसी बैंक BC1 BC2 आपको देखने को मिल रहा है फंड ट्रांसफर के लिए। यहाँ पे BC3 भी एडेड है जो इस समय नहीं दिख रहा है, जो दोनों इस्तेमाल करेंगे तो जबकि आपको BC3 जो है वो भी शो कर देगा। ओके, सो इसके बाद निकल के हम आगे चलते हैं RNFI की ओर। ठीक है, RNFI में DMT का सर्विस कैसा है, RNFI में DMT का सर्विस सस्ता है ये मैं कह सकता हूँ। अगर आप APS टू DMT करें, आपके APS पोर्टल में APS जो वॉलेट है, ये हो गया आपका APS वॉलेट, आपके APS वॉलेट में जो भी पैसा रहेगा इसका DMT अगर आप करना चाहो तो बहुत ही सस्ता है। 5,000 के लिए ओनली 14 या 15 रुपए कटेंगे, मैक्सिमम 15 रुपए कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। अगर आप मेन वॉलेट से DMT कर रहे हो तो इसके लिए मैक्सिमम 21 या 22 रुपए तक आपसे वसूला जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा APS वॉलेट का पैसे को इस्तेमाल करने का। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे DMT का लिमिट बहुत ही कम है। KYC DMT 50,000 लिखा है पर ये काम नहीं कर रहा है इस समय। जिस समय फुल KYC ऑप्शन आ जाएगा तब तो 2,00,000 करेगा, पर कब आएगा ये तो कंपनी ही बता पाएंगे। पर फिलहाल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से DMT जो है 25,000 तक का ही होता है। मैं एक नंबर डालता हूँ यहाँ पे 9862363880 और कर देता हूँ एरो बटन में क्लिक, और ये देख सकते हैं आप लिमिट जो है 25,000 तक है, 25,000 तक ही DMT हो सकता है यहाँ से। सो मैं बराबर APS टू DMT इस्तेमाल करने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा गोल्ड प्लान यहाँ पे लगा हुआ है और मुझे फ्रीडम प्लान यहाँ पे लगा हुआ है, VIP फ्रीडम भी लगा हुआ है, VIP लगा, गोल्ड लगा हुआ, लास्ट VIP पैक जो है वो एक्टिवेटेड है 8/5/5/8/2021 से 9/9/2021 तक ये चलेगा। तो तब तक इसको मैं इनएक्टिव नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा सारा पैक जो है एक्टिवेटेड है, VIP प्लान में मैं चल रहा हूँ, 12 रुपए तक मुझे कमीशन मिल रहा है। सो जो APS हो रहा है इस समय बहुत ज्यादा APS हम लोग रिलीफ ऐसे कर रहे हैं ताकि हम DMT भी सस्ते में कर सकते हैं। और हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं बहुत छोटे नंबर पे होते हैं, 4-5,000 महीने में करते हैं, तो हम यहाँ से हिट कर देते हैं, चलो DMT जो है आप रिलीफ ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें सस्ता कमीशन भी ज्यादा मिल जाए और DMT भी सस्ता मिल जाए। हम स्पाइस मनी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को KYC करना है KYC कर सकते हैं, KYC में भरोसा रखते हैं उनको, और जो लोग आते हैं कि नहीं नॉन KYC में हमें ज्यादा ट्रांसफर करना है तब हम क्या करते हैं रापी पे का इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के पोर्टल इसलिए रखना है कि कस्टमर जिस समय आपके पास आएंगे, जिस समय आपकी दुकान में कस्टमर विजिट करेगा उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि इस कस्टमर को किस टाइप की सर्विसेज चाहिए। अगर उसको नॉन KYC में ज्यादा पैसा भेजना हो तो रापी पे, अगर उसको KYC करके ज्यादा पैसा भेजना हो तो स्पाइस मनी, अगर उसको KYC भी करना नहीं है और पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं भेजना है तब हम क्या करते हैं रैली पे का इस्तेमाल, रैली पे का प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोर्टल की ओर, उसका नाम है फिनो। सो नेक्स्ट पोर्टल फिनो नहीं, हम लोग पेपॉइंट पे चले आते हैं, फिनो का लॉगिन पे थोड़ा इशू है तो मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। नेक्स्ट पोर्टल जो है पेपॉइंट इंडिया, यहाँ से आप कितना तक का DMT कर सकते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी DMT करने का मजा है, बहुत पुराना पोर्टल है और कुछ स्पेशल चीजों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका फास्टैग, ठीक है, फास्टैग रिचार्ज एंड फास्टैग क्रिएशन और इंश्योरेंस, ये दो चीज के लिए हम इस पोर्टल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत मजा आता है हमें। और इसका DMT के बारे में आज बात करेंगे, इसका DMT सर्विस कैसा है, कितना तक का DMT यहाँ से हो सकता है, सारे चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये पोर्टल खुलते मनी ट्रांसफर में मुझे कर लेना है क्लिक और साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और अगर बात करें कि कहां से आप DMT करेंगे, इनका भी RBI से लाइसेंस एक पोर्टल है जो जिसका नाम है पे पॉइंट वॉलेट, जिस तरह से आपको पेटीएम का वॉलेट देखने को मिलता है
उसी तरह से ये एक लाइसेंस्ड पीपीआई पोर्टल है इनका, जिसका नाम है पे पॉइंट्स वॉलेट। और दूसरा है कि आप एपीएस का जो बिजनेस किया है, पर टोटल जो टर्नओवर है इसका अगर पैसा इस्तेमाल करना चाहते हो तो बीसी मनी ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा। कैसे आप करना चाहोगे आईएमपीएस और एनईएफटी, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आईएमपीएस सिलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड मोबाइल नंबर है और रिमेनिंग लिमिट जो 25,000 है। अगर मैं चैनल एक्टिव करना चाहता हूँ तो चैनल ए 2 को इस्तेमाल कर सकता हूँ, चैनल आई 5 को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और तीन तरह का चैनल को मैं यहाँ पे इस्तेमाल जो है कर सकता हूँ। आप देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ। चैनल 3 को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो नॉट रजिस्टर्ड है मेरे लिए। चैनल 4, 5 और 2 ये जो है तीन ओपन है, और तीनों जगह से मैं 25, 25, 25 करके 75,000 तक डीएमटी जो है मैं पे पॉइंट पोर्टल से कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे डीएमटी का चार्ज जो है कभी कभी फ्री हो जाता है, हर समय फ्री नहीं रहता, कभी कभी फ्री हो जाता है। चार्ज जो है 0.5 की आसपास रहता है, और ये मुझे बेहतर ही लगता है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि चार्जेस जो है ज्यादा है। और एक चीज में बेहतर लगता है कि हफ्ते में कभी कभार कुछ महीने के कुछ हफ्ते में जो है डीएमटी जो है उनकी तरफ से फ्री हो जाता है सारा दिन के लिए, ठीक है, वो भी एक बेहतरीन चीज है। और बाकी आगे हम और भी दो पोर्टल है हमारे पास, सही पे और हो गया फिनो, उनका भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को दिखा देता है। हालांकि उन दोनों जगह से डीएमटी करना उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि सही पे में पहले बहुत ज्यादा था 75,000 तक डीएमटी होता था, पर अभी नहीं होता है, अभी ओनली 25,000 तक ही हो पाता है। तो अभी जो है ये डीएमटी के लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहा है, ठीक है। और एक चीज बेहतर आज भी सही पे में है, वो कि अगर पेमेंट अगर डीएमटी अगर फेल हो जाता है तो तुरंत ही रिफंड हो जाए, इसके लिए आपको कोई भी समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात आपकी फिनो की तरफ से डीएमटी की, तो डीएमटी की चेंजेस हर महीने होता रहता है, हर महीने अलग अलग स्कीम रहते हैं, उस स्कीम के तहत आप डीएमटी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,000 से अधिक राशि के डीएमटी एनईएफटी ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त 50 पैसे आपको मिलेंगे, इस तरह से अलग अलग रहता है। अगर आपके पास फिनो आईडी है तो आप इस्तेमाल कीजिए अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि ये बैंक की पोर्टल है, उतना बेहतरीन कमीशन एपीएस में भी नहीं देता है, माइक्रोटी में भी नहीं देता है, और डीएमटी की बहुत ज्यादा उनकी स्कीम रहते हैं, स्कीम के तहत अगर आप आते हैं तो आपको अच्छे रेट मिलते हैं, अगर स्कीम के तहत आपका नहीं आते हैं तो उतना ज्यादा अच्छा रेट आपको नहीं मिलता है। तो आशा करता हूं वीडियो से आप लोग समझ गए हैं कि किस किस पोर्टल से डीएमटी करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, कहां से डीएमटी करना आपके कस्टमर के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से आरएनएफआई चूज करें, स्पाइस चूज करें, रवेपे चूज करें, फिनो चूज करें, पेपॉइंट इंडिया चूज करें या सही पे चूज करें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमने आपको सारे पोर्टल के बारे में बता दिया, सारे पोर्टल के आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप किसी भी पोर्टल को चूज कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना जरूरी है आपको, आपके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट भी है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।